अच्छा, कमाई की जब परिभाषा निकली तो 2 शेयर हम आपको वापस दिखाना चाहेंगे। इसी कार्यक्रम में हमने डिस्कस किया, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे अब आपसे, सिर्फ 10 मिनट पहले हमने आपको एक शेयर बताया था, वो था कोठारी पेट्रो। ये शेयर करीब 16 से 17% ऊपर है, तो यहां से भी आपको कमाई मिल रही है। और एक शेयर मैं आपके सामने और रख दूं, जो थोड़ी देर पहले बायोकॉन हमको बताया था, हम फार्मा के शेयर डिस्कस कर रहे थे, वो शेयर अब 10% ऊपर आ चुका है। बायोकॉन के शेयर के अंदर भी स्ट्रांग मूव आया है। अभी अभी हमने जो 4 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पूछी थी, किरण ने एक ही शेयर चुना था बायोकॉन, और उसके अंदर भी तेज मूव आते हुए दिख रहा है। ये शेयर अब करीब 10% ऊपर आ चुका है, तो ये कमाई का सौदा बंद नहीं कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये सिलसिला आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये रिकमेंडेशन अभी अभी हमने आपके सामने रखी है। अब कुछ एक और शेयर देख लेते हैं जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज रियल एस्टेट के शेयर्स भी, इनफैक्ट रियल एस्टेट तो क्या पिछले 3 महीने से अच्छा चल रहा है, लेकिन शोभा लिमिटेड की मैनेजमेंट आज हमारे साथ थी, उन्होंने काफी अहम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि उनका सदर्न मार्केट अच्छा चल रहा है, वहां पे प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, गुड़गांव वाले डिवीजन से उनको बेनिफिट आना शुरू हो रहा है। आप जरा चार्ट देखिए किरण, फंडामेंटली काफी अच्छा बुलिश लग रहा था, चार्ट भी चलेंगे शोभा के? चलने चाहिए, पर जो 410 से लेके 405 तक जो नीचे आया है वो ही थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। नहीं तो बेसिकली एंड ऑफ डे पे चार्ट पे तो कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, 400 का ब्रेकआउट दे चुका है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है तो उन्हीं के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि 397 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग इनिशिएट किए करना है, और टारगेट्स के लिए 420 के लेवल आपको 3 दिन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पीछे एक ब्रेकिंग खबर आपको और बता देते हैं कि अक्टूबर के आखिरी तक आईपीओ लाने की कुछ योजनाएं सरकार के, जो रेलवेज के अलग अलग डिवीजन है ना, उनकी आईपीओस की बात सामने कर रहे हैं। आईआरसीटीसी है, आरवीएनएल है, ये कुछ एक है, इसमें सरकार 10% हिस्सा बेचना चाहती है, ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी। अब आपको समय सीमा भी बता रहे हैं कि इनकी आईपीओस कब तक आ सकती है। अभी तक हमने आपको एक परफॉर्मेंस भी दिखा दिया था कि आईपीओ कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी इस समय सेकेंडरी मार्केट के सामने खड़ा है, और ये पहली बार ऐसा है जब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर है रिटर्न के लिहाज से। आईआरसीटीसी में भी 10% जो सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इसका आईपीओ अक्टूबर तक आ जाएगा। रेलवे से ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशन काफी रिच बताई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ हमको ये जानना है जब आईपीओ आएगा तो किस दाम पे आता है, क्योंकि सरकार की इससे छवि और इन कंपनीज की वैल्यूएशन अपने आप जज हो जाएगी जब इसकी कीमत आ जाएगी। तो फिलहाल ये खबर आपको हम समय सीमा भी बता रहे हैं, ये खबर हमने ब्रेक की थी कि अब इन सभी कंपनीज के आईपीओ आएंगे, और अब आपको समय अवधि बता रहे हैं जो कि अक्टूबर के आसपास है। इस बीच आज शुगर कंपनीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, यहां पर दबाव है इन शुगर कंपनीज में से किसी को शॉर्ट करना है, हालांकि ऑप्शन एक ही है हमारे पास बलरामपुर जी ने, फिर फ्यूचर इसी का ही है, कुछ प्लस करना है कहीं पे हमको ऐसा दिख रहा है आपको, कहीं से का बेस बनता हुआ दिख रहा है, आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग है किरण? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए डिम्पी जी, एकदम सपाट कारोबार है, और ऐसे सपाट कारोबार में कुछ ना करने में भी मुनाफा होता है, क्योंकि कुछ कंपल्सिव ट्रेड लिए जाते हैं तो उसके बाद ब्रोकरेज दिए जाते हैं और बाकी कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल शुगर में काम ही नहीं करना।